ये हमने प्याज छील के उतार कर रख लिए हैं, ये लहसुन छील के उतार कर रख लिए हैं, ये हरी मिर्ची धो कर रख लिए हैं, ये टमाटर धो कर रख लिए हैं और ये धनिया पत्ती धो कर रख लिए हैं, ये आलू उबाल लिए हैं। ये आलू को उबालने के लिए हमने दाल में डाला था, इसलिए पीला पीला दिख रहा है। तो चलिए अब हम चोखा बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम जो लहसुन, मिर्ची, प्याज, टमाटर, धनिया इन सबको छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, यानी बारीक कट कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई YouTube चैनल। आज मैं इस वीडियो में यूपी बिहार का प्रसिद्ध चोखा बनाकर बताऊंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑन कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। हमने अब सब कुछ कट कर लिया है, अब आलू के छिलके उतार लेते हैं। अब हमने आलू का छिलका उतार लिया है, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इस सब को मसल कर एक में मिला लेंगे, आलू को ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो देखिए अब ये चोखा हमारा तैयार है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल चावल, रोटी दाल या रोटी के साथ या चावल के साथ। इसको बनाकर तुरंत सर्व करें, ज़्यादा देर तक न रखें, नहीं तो इसमें प्याज होने के कारण और सब कुछ कच्चा होने के कारण इसमें से गंध आने लगती है और ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको बनाकर तुरंत ही सर्व करें। हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।